मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऊपर की मैनेजमेंट और नीचे की दोनों मैनेजमेंट का एक जॉइंट एरिया होता है। डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, डिविजनल ऑफिसर्स एंड एक्सपर्ट्स आर इंक्लूडेड इन इट। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, फाइनेंस, पर्सनल अकाउंट्स ऑफिसर एक्सेट्रा। दिस लेवल इज़ ऑल्सो नोन एज ऑफिसर लेवल। इसमें स्पेशलाइज स्किल वाले ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है जिन्हें उस चीज़ की नॉलेज होती है। वो लोग मिलकर से फाइनेंस और पर्सनल अकाउंट्स की सभी चीज़ों की डिटेल्स को टैली करते हैं। फंक्शंस, टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन फॉलो अप में लाना इनका काम होता है। टू प्रिपेयर बजट बाय ईच डिपार्टमेंटल हेड एंड प्रेजेंट इट बिफोर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। और बजट भी यही डिसाइड करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के सामने बताने के लिए। टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। यही लोग पॉलिसीज भी बनाते हैं और उन्हें कंप्लीट करने की ऑब्जेक्टिव्स भी डिसाइड करते हैं। टू डिसाइड नेसेसरी मेथड फॉर इट और उनके सही तरीकों से उनको पूरा करते हैं। टू एनालाइज इट एंड टू डू डिसाइड अप्रोप्रिएट मेजर्स और क्राइटेरियंस फॉर इट। उनके लिए सही तरह की आइडियाज़ को इस्तेमाल में लाते हैं। टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़। हर डिपार्टमेंट के सही तरह से काम करने का ध्यान यही लोग देते हैं। टू मेक अटेम्प्ट्स टू इंश्योर एंथुसिएस्ट एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट। किसी हर डिपार्टमेंट के लोगों को काम करने की उत्सुकता और उनको मोटिवेशन ये लोग देते हैं। टू कीप इन कॉन्स्टेंट टच विद द ऑफिसर्स ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स एंड एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। ये दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ तालमेल बनाए रखते हैं और सभी को एक साथ काम करने के लिए रेडी करते हैं। टू फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिविजन्स, उनके सब डिविजन्स के ऊपर ध्यान देते हैं, उनसे भी छोटे तबकों पर जो कि मजदूर वर्ग, उन सभी चीज़ की भी नॉलेज वो लोग रखते हैं। टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स, गेट इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पास ऑन इंफॉर्मेशन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऊपर की मैनेजमेंट को नीचे की मैनेजमेंट द्वारा किए गए काम की इंफॉर्मेशन देकर उनकी मेजर्स को भी डिसाइड ये लोग करते हैं। टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन, न्यू पॉलिसी बनाने में वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की मदद भी करते हैं। नाउ बॉटम लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, जॉबर्स एंड फॉरमेंस आर इंक्लूडेड एंड एट दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरवाइजर्स, जॉबर्स और फोरमैन मिलकर ये मैनेजमेंट को काम में लाते हैं। दिस लेवल इज़ नोन फॉर एज बॉटम लेवल और सुपरवाइजर्स लेवल। इसे बॉटम लेवल या सुपरवाइजर लेवल भी कहा जाता है। डिसीजन एंड पॉलिसीज डिसाइड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय द लेवल। देयरफॉर दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज अ फंक्शनल ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये लेवल ऊपर से दिए गए ऑर्डर्स को फुलफिल कराने का काम करते हैं। सुपरवाइजर्स वर्किंग एट दिस लेवल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट। सुपरवाइजर्स जो यहाँ काम कर रहे हैं वो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटर बनकर काम करते हैं। एट दिस लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म लेस लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज मोर। यहाँ पर परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सबसे ज़्यादा यहाँ पर की जाती हैं और इधर फंक्शंस सभी चीज़ों को यहाँ पर सही ढंग से फंक्शनिंग के लिए मैनेज किया जाता है और लोगों को उनका काम बताया जाता है।